नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है अशुद्धि सुधार पर चर्चा करेंगे। बेसिकली यह टॉपिक जो है पीईटी के साथ साथ वनडे एग्जाम जहां पर भी हिंदी के टॉपिक रखे गए होते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दोनों के लिए जो समान रूप से और महत्वपूर्ण रूप से जो उपयोगी है। इस पे आप लोगों का एक दृष्टिकोण होना जो आवश्यक है। यद्यपि इसमें इतने ज्यादा नियम है, इतने ज्यादा अभ्यास पे आधारित है कि किसी कुछ नियमों में इसको जो है समुचित करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे थंब रूल होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत नियम होते हैं कि इन नियमों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक को सरल बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है और इस पे आत्मविश्वास को विकसित किया जा सकता है। तो हम क्रमशः एक एक करके इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे और इस पे आधारित आने वाले समय में भी और कुछ जो है मैटर जो भी कलेक्ट होंगे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से, उसे आप तक जो पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में कुछ चीज़ों को लेकर के हम आए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अशुद्धि सुधार जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो दो चीज़ें आती हैं, एक तो वर्तनी होती है, वर्तनी, और दूसरा है वाक्य। ये दोनों चीजों को इसमें जो है शामिल किया जाता है, वर्तनी सुधार और वाक्य सुधार, ये दोनों चीजें ही इसमें आती हैं। खैर, यहां पर जो नियम आपको बताए जाएंगे वो दोनों का मिला जुला रूप होगा, क्योंकि वो दोनों पर अप्लीकेबल होगा, क्योंकि शब्द भी वाक्य में आ जाते हैं और वाक्य स्वयं में जो है वाक्य होता ही है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, आने वाले समय में हम शब्दों को और भी थोड़ा सा कुछ सूचियों के रूप में जो है कलेक्ट किया गया है, उसे भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें जो है तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो यह है कि सावधानी, दूसरा जो है वो अभ्यास, और तीसरा जो है नियम। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं तीनों बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और इसके माध्यम से ये बात देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन बिंदुओं के माध्यम से हम अशुद्धि, जिसके अंतर्गत वाक्य शुद्धि और वर्तनी अशुद्धि दोनों आते हैं, इसको किस तरीके से तैयार किया जा सकता है और यहां से आने वाले सवालों को गलत होने से बचाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सावधानी। देखिए, अशुद्धि और हिंदी के ज्यादातर प्रश्न इस तरीके के आते हैं कि उसमें आपकी सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मिले जुले शब्दों का प्रयोग होता है और मिले जुले हुए वाक्य का भी प्रयोग होता है, जो कि अशुद्धियों में जो है वाक्य और शब्द, वाक्य और शब्द, इन दोनों ही अशुद्धियों में प्रश्न में पूछे जाते हैं और हम सावधानी के न होने के कारण से प्रश्न को गलत कर देते हैं। इसलिए आप ये सुनिश्चित हो लीजिए हर क्षण इस तरीके की परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो वहां पर आपका जो है दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे पूरा प्रश्न पढ़ना है और उससे संबंधित सभी विकल्पों का चयन करना है, क्योंकि आपको सही नहीं बल्कि उन सही में से भी सबसे ज्यादा सही का चयन करना होता है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि सावधानी तो आपके साथ हर क्षण होना ही होना चाहिए। सावधानी बिना अपनाए आप इस परीक्षा को जो है फतह नहीं कर सकते। तो इसलिए सावधानी अगर आप अपनाते हैं तो हर सेक्शन से एक या दो सवाल आप ज़्यादा सही कर पाएंगे और इस तरीके से आप अपने पूरी स्कोर को काफ़ी कुछ बढ़ा पाएंगे और शायद उतना पहुंचा पाएंगे जितना कि एक कमीशन और कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी का जो है आपसे अपेक्षा होती है। तो आपके लिए सावधानी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरे पॉइंट पर अभ्यास, देखिए जिस तरीके से जब इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, इंग्लिश के बारे में भी ये कहा जाता है कि वोकैबुलरी वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका बार बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शब्दों का जो है वहाँ पे अध्ययन करते हैं, उसे तैयार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। वही सेम बातें यहाँ पर भी हैं कि आपको जो है पढ़ाई करने के दौरान आपको रुक करके चलना है, शब्दों को समझ करके चलना है, क्योंकि जब हम किताबों में शुद्ध हिंदी की जो किताबें हैं उसमें जो शब्द देखते हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पढ़ने के कई तरीके होते हैं। जैसे आदमी न्यूज़पेपर केवल न्यूज के लिए पढ़ता है, उसके ग्रामर को ध्यान में रखने के लिए नहीं, लेकिन जब हम एकेडमिक लेवल पर होते हैं वहाँ पे किताबों का अध्ययन करते हैं तो हमारा दोनों ही टारगेट होता है कि उसका जो एक भाव है उसको भी समझने का प्रयास करें और दूसरी तरफ उसके जो ग्रामर की चीज़ें हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करें। हमारा दो आयामी जो है अप्रोच होता है। तो इसीलिए जो है आपको पढ़ाई करने के दौरान शब्द और वाक्य दोनों की जो है संरचना पर भी ध्यान में रखना होगा और अगर कहीं आपको लगता है
कि कहीं पे कोई कठिन शब्द आ रहा है, कोई ऐसा वाक्य आ रहा है जो जटिल प्रतीत हो रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक करके आपको साहित्य के जो है रस का आनंद भी लेना चाहिए। इससे आपकी जो है समझदारी में वृद्धि होती है, आपके अच्छे शब्दों पर पकड़ मजबूत होती है, आपके वार्तालाप की शैली का विकास होता है, और इस तरीके से जो है आप आने वाले समय में विभिन्न स्तरों पर होने वाले अपने प्रस्तुति और वार्तालाप की शैली में जो है उच्च स्तरीय वाक्य और वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए अपने विचार भाषा और शैली का परिमार्जन और परिष्करण करने में सफल हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको इन सभी बिंदुओं को जो ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके बाद कुछ नियम है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। नियम, कुछ नियमों का समुच्चय लाया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, और इसका जानना एक साहित्य के विद्यार्थी और एक प्रतियोगी जगत के विद्यार्थी के लिए जरूरी भी होता है। जैसे अगर हम कहें या ए और या, ये कई बार शब्दों में आता है, हुए जैसे हुआ, लिए जैसे हुआ, तो इन एक स्थान पर यह भी आएगा और यह भी आएगा। अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो सही है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कुछ जानकारी को लेकर के। तो इसके लिए हमें यह आवश्यक है कि जिन शब्दों के साथ में ये प्रयोग हो रहा है उसका मूल शब्द क्या है। अभी हम इसको बता रहे हैं उदाहरण के रूप में, मूल शब्द क्या है, और मूल शब्द के हम भूतकाल में जाकर के देखेंगे कि इन दोनों में से जो है किसमें आ रहे हैं और किसमें या आ रहे हैं। तो एक तो यह है कि जिसमें जो है आ या आता है, और एक में जो है या आता है, ये दो कंडीशन होंगी। जब हम जिनमें ये जो है वर्ण आते हैं, जिन भी शब्दों में ये वर्ण आते हैं और कंफ्यूजन होता है, उसके हम मूल शब्द को देखेंगे और मूल शब्दों के भूतकाल को देखेंगे कि उनमें आ रहा है या आ रहा है। अब जैसे आई, ये भी हुआ, कुछ लोग लिख दिए आई, गई, ये शब्द आपको प्रयोग में लाया जाता है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इसका मूल शब्द क्या है। जैसे आए का मूल शब्द क्या है, आया शब्द होता है, मूल शब्द आया है। अब यहां पे क्या चीज आया, या आ गया, यहां पे लास्ट में क्या आ गया, या। तो इसका मतलब यह है कि हम यहां पे इसको प्रयोग में लाएंगे। इसी तरीके से अब ये जो है गलत हो जाएगा। अब गए है जैसे है, तो गए में जो है मूल शब्द क्या है, गया। अब यह शब्द आया, यानी कि ये शब्द आया, तो यहां पे ये शब्द प्रयोग में लाया जाएगा और ये जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके हम ये बहुवचन में प्रयोग में लाया जा रहा, बहुवचन में ही ये जो है त्रुटियां आपको परिलक्षित होंगी और इसी की जो है परिमार्जन की आपसे अपेक्षा की जाएगी। अब इसी के जब स्त्रीलिंग में हम लोग प्रयोग में जाएंगे, तो वहां पे आएगा जो है से आई, और ये भी प्रयोग में आएगा आई, ये जो है आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूल जो है वो या है और अगला परिवर्तन जो होगा वो इसी से संबंधित होगा। इसी तरीके से गया या और गई के संदर्भ में भी जो है बातें हो जाएंगी, गई और गई, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। एक रूल आपका ये जो है बनता है, और इसे अगर आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में जो है इस सेक्शन से पूछे जाने वाले गलतियों को बचा पाने में सफल होंगे। इसी तरीके से अब हम कुछ शब्दों को जैसे यहां पे देख लेते हैं, अब देखिए ये शब्द जो है इसमें हुए आया है और हुए, तो ये ध्यान में रखना है कि इसका मूल शब्द क्या है। हुए का मूल शब्द हुआ आता है, और ये क्या चीज बता रहा है, ये। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सीधा ये हो जाएगा, ये जो है यहां पे गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है
हुई। अब देखिए आप, अब इसमें भी जो है हुई का मूल शब्द जो है हुआ ही है, ये हो जाएगा और ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको यही ध्यान में रखना है कि बेसिकली जो है उसका मूल शब्द क्या है और उस मूल शब्द के अंत में क्या आ रहा है। अगर मूल शब्द के अंत में आ रहा है तो ए हो जाएगा और स्त्रीलिंग में ई हो जाएगा, और अगर या आ रहा है तो उसके जो है बहुवचन में ए शब्द आ जाएगा, जैसे यहां पे आए हुआ गए हुआ, और इसी तरीके से जो है आने पे जो है ए हो जाएगा। तो ये चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। ये अशुद्धि को जो दूर करने के लिए बहुत ही बेसिक और समझ पे आधारित जो है नियम है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। कुछ और भी चीजों को हम लोग यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। अभी यहां इसी से संबंधित कुछ और चीजें हैं, जैसे क्रिया और अव्यय, क्रिया बनाम अव्यय, क्रिया बनाम अव्यय, क्रिया और अव्यय, हमेशा अव्यय में जो है ये शब्द आता है और क्रिया में जो है ये शब्द आता है, ये भी ध्यान में रखना। अब यहां पे हम दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे नंबर एक है श्याम खेलने के लिए बाल खरीदा, एक वाक्य ये हो गया श्याम जो है खेलने के लिए बाल खरीदा, और दूसरा हो गया श्याम किताब लिए, या इसमें ये कह सकते हैं क्योंकि बहुवचन में ये प्रयोग में लाया जा रहा है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं वे लोग, यहां पे ये आया। तो अब इन दोनों में जो है आपको अंतर देखने को आ रहा है, यहां पे लिए के लिए ही ये शब्द प्रयोग में आया और यहां लिए के लिए, क्योंकि यह क्रिया के स्थान पर आया और ये अव्यय के स्थान पर। अव्यय का मतलब जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय, व्यय से बना हुआ है, यानी कि उसमें कोई चीज व्यय नहीं होता है, वो अव्यय होता है, उसमें कोई परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुसार, अब चाहे वो एक वचन के साथ में प्रयोग हो रहा है और चाहे बहुवचन के साथ प्रयोग में हो रहा है, चाहे लड़का के साथ प्रयोग हो रहा है, चाहे लड़की के साथ में, यानी कि पुरुष और स्त्री लिंग में भी प्रयोग में लाया जा रहा है, इन दोनों ही केसेस में इसका रूप हमेशा बराबर होगा। जैसे श्याम खेलने के लिए बाल खरीदा, वह लोग खेलने के लिए बाल खरीदे, खरीदे क्रिया तो बदल जाएगी लेकिन लिए वही रहेगा, तो अर्थात ये अव्यय हो गया, वहां हमेशा जो है ये शब्द प्रयोग में आएगा, यहाँ पे ये चीज है, और जहां पे क्रिया होगा वहां पे या शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए भी में यही होता है, क्योंकि इसलिए भी जो है वो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, तो इसलिए शब्द में भी जो है इसी तरीके लिए इसलिए में भी वही चीजें प्रयोग में लाई जाएंगी। तो एक नियम आपको ये भी जो है यहां पे देखने को मिलता है। कुछ जो है अंग्रेजी के शब्द हैं जो व्यवहार किताबों में देवनागरी लिपि में सीधे लिखा जाता है, उसमें अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, इसके कहते इसे अर्धचंद्र। अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, ये शब्द जो है मूलतः अंग्रेजी के हैं, जिन्हें हिंदी में या देवनागरी लिपि, हमेशा लिपि जो है
वो यहाँ की जो हम इस तरीके से हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं वो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में जब उसे लिखा जाता है तो वहाँ पे अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे शब्दों को देखने पे ही आपको प्रतीत होगा कि ये अंग्रेजी का शब्द है, क्योंकि आप अगर उसे अंग्रेजी में जो है स्पेलिंग वही है जैसे डॉक्टर का है DOCT या और इसी तरीके COLLEGE कॉलेज हॉस्पिटल HOSPIT, तो इस तरीके से इनको आप स्पेलिंग में डाल सकते हैं इसी तरीके से। तो मतलब ये क्या हो गया, अंग्रेजी के शब्द हो गए और इन पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो एक नियम आपका ये भी हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज है रा और ना, रा और ना, रा और ना ये हमेशा जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों में प्रयोग किया जाता है, और ये ना का प्रयोग जो है खड़ी हिंदी जो है शुद्ध खड़ी हिंदी में जो है ना का प्रयोग किया जाता है, और रा का जो है प्रयोग जो है वो हमेशा कहाँ किया जाता है, वो संस्कृत निष्ठ शब्दों में। तो जब हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं तो वहाँ हमेशा रा का ही जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तत्सम जो है यानी कि उसी के समान, यानी कि इसके संस्कृत के ही समान शब्दों का प्रयोग होता है, और तद्भव जो है उससे उत्पन्न होता है, किससे कि संस्कृत से जो उत्पन्न होता है थोड़ा सा विकृत रूप होता है, तो वहाँ पे ना का प्रयोग। तो ये संस्कृत निष्ठ है, और ये जो ना शब्द है ये आपका हिंदी खड़ी हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। तो और कुछ नियम यह है, जैसे री है, रा है और सा है, इनके बाद में जो है अगर ना आता है तो ना का जो है ना आता है तो ये ना जो है रा में चेंज हो जाता है। यदि ना आता है तो ये ना जो है वो रा में चेंज हो जाता है। अब इसको जो है अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो जैसे आपका हो गया कृष्ण शब्द, कृष्ण शब्द में क्या हो जाएगा, जैसे ऋण हो गया, ऋण नहीं होगा ऋण होगा, कृष्ण कहीं कहीं कृष्ण भी लिखा रहता है तो कृष्ण नहीं सही होगा, कृष्ण होगा क्या होगा, कृष्ण, क्योंकि यहां पे जो है ये आ रहा है, इसके बाद अगर ना लिखा जा रहा है कृष्ण तो वो ना के बजाय जो है ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार का नियम है कि री रा और श के बाद, री रा और स के बाद, यानी कि ये कौन सा है, मूर्धन्य श, रिटू रफाड़ा मूर्धा जिसको कहते हैं उच्चारण में, तो ये है मूर्धन्य श। तो यहाँ पे री र और स के बाद जो है ना यदि आता है तो वो रा में जो है परिवर्तित हो जाता है। और एक नियम है री, री के बाद जो है यदि सा का प्रयोग किया जाना है तो वहां पे जो है ये मूर्धन्य सा का ही जो प्रयोग किया जाएगा, है ना, मूर्धन्य जो है सा का ही जो है प्रयोग किया। अब ऋषि जैसे यहाँ पे शब्द बन गया, थोड़ा सा इस और इस नियम में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों अलग है, ये ना और रा के संदर्भ में है और ये सा के संदर्भ में। रीरा और सा के बाद यदि ना का प्रयोग करना हो तो वो हमेशा रा ही प्रयोग होता है, रा, और री के बाद यदि सा का प्रयोग होता है तो वहां पे हमेशा जो है ये वाला जो है मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है, जैसे ऋषि है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगला नियम हम जो लोग देख रहे हैं सा, जैसे ये है ये है। अब इनमें से अगर दो सा का एक साथ प्रयोग होना हो, ठीक, दो सा का एक साथ प्रयोग होना हो तो हमेशा वो ये या ये इस रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगर एक साथ जो है दो सा का प्रयोग होना हो तो उसमें हमेशा जो है पहले तालव्य सा आएगा, तब उसके बाद जो है वो मूर्धन्य सा या जो है दंत सा, दंत सा, इसको जो है तालव्य सा कहते हैं, इचु ऐसा नाम तालु, ये जब हम उच्चारण में पढ़ेंगे हिंदी को तब समझ में आएगी, इचु ऐसा नाम तालु। और ये सा है रिटु रसाराम मूर्धा, और ये क्या है लिरतु, लि तु माने तवर्ग और सा दंता, लितु लिरतु लसा नाम दंता है। ये चीज यहां खैर बहुत ज्यादा इसको फोकस करने की जरूरत नहीं, उसे हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतना ध्यान देना है
कि इन सा में अगर प्रयोग में लाया जाता है तो ये पहले प्रयोग में लाया जाता है, देन इसके बाद ये है, और यहाँ पे अगर ये दोनों प्रयोग में लाया जाएगा तो पहले ये है और फिर ये है। जैसे प्रशंसा शब्द है तो यहाँ पे इसका प्रयोग में लाया जाता है, प्रशंसा शब्द में इसको प्रयोग में लाया जाता है। निरशंस शब्द में भी जो है इसी तरीके से ये वाला प्रयोग में लाया जाता है। निरशंस शब्द में जो है इस तरीके से जो है जो भी शब्द हैं आप व्यवहार में अगर देखने का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपको देखने को आएगा कि पहले तालव्य सा का प्रयोग होता है, देन उसके बाद जो है मूर्धन्य सा या दंतस्य सा का जो है प्रयोग में लाया जाता है। अनुशंसा भी शब्द जो है इस तरीके से बना हुआ है। तो आप जो भी शब्द व्यवहार में देखने का प्रयास करेंगे वहां पर इन्हीं नियमों का जो है पालन किया जाता है। तो ये भी जो है उसी पैटर्न पर कुछ नियम यहाँ पे बनते हैं। इसी के साथ एक और है, च और इन दोनों जो है वर्णों की जो है अगर पूर्व जो है सा का प्रयोग करना हो तो हमेशा वहां पे यही सा का प्रयोग होता है। और दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए टवर टवर्ग के जो पूर्व हमेशा जो है इस सा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब उदाहरण में भी अगर देखना जाए तो निश्चल और निश्चल, निश्चल और निश्चल दो शब्द अब यहां पे जो है सा ही प्रयोग में लाया जा रहा है। निश्चय भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे शब्द है निश्चय, अब यहां पे जो है चा के पूर्व में सा की बात हुई है तो चा के पूर्व में सा हमेशा यही आएगा। इसी तरीके से निश्चल भी शब्द है, अब इसमें जो है अन्य दूसरे भी जो है छा के प्रयोग की जो है संभावना बन जाती है, गलती होने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा नियम जो है वो कर्कश लगते हैं, लेकिन चूंकि आपको एग्जाम में ज्यादा सवाल हल करना है तो एक दो बार जरूर आप देखेंगे। खैर कुछ और भी नियम है जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा अगर नियमों को एक साथ हम सब चीजें को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें काफी कुछ नियम है जिसमें काफी ध्यान देने की भी आपको जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम रुकने का प्रयास करेंगे। अब जैसे इसका भी हम उदाहरण अगर देख लें, इसमें टवर्ग का मतलब है ट ठ ड ढ ञ, तो इसके जो है पूर्व में अगर कोई शब्द, यहां भी पूर्व है यहां भी पूर्व है, पूर्व का मतलब ऐसे हम कर दे रहे हैं, पूर्व में सा का प्रयोग है जैसे सोडस है, सोडस, तो सोडस में जो है क्या हुआ ट ठ ड ड के पूर्व जो है बात हो रही है, तो यहां पे जो है क्या चीजें आ गई, ये सा आ गया, इसको ऐसे लिखा जाएगा सडानन। यहां पे जैसे उदाहरण में सा के पूर्व में है तो सडानन है, स सडानन, सडानन। तो इसी तरीके से जो है अगर आप देखेंगे जो है कष्ट, इसी तरीके से देंगे कि देखेंगे नष्ट, तो यहां पे टा टा के पूर्व में भी सात को और जरूरत के अनुसार वो जो है अर्ध और दीर्घ का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हमेशा जो है इस नियम का प्रयोग होगा कि टवर्ग के पूर्व में जो है ये मूर्धन्य सा का ही जो है प्रयोग किया जाएगा। ये कुछ नियम है जो है जिसका प्रयोग आप करेंगे तो इससे आप में जो है अपेक्षित सुधार होगा और ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करने में जो है आपको मदद मिलेगी। तो आज के लेक्चर में जो है वर्तनीय शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हम लोगों ने जो है इतने प्रकार के नियमों को देखा, इस पर आधारित उदाहरण देखा, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को देखा, अभ्यास के बार बार करने की जरूरत को देखा। इसके माध्यम से आपको इस टॉपिक को जो समझने में और यहाँ पर जो है एक आत्मविश्वास पैदा करने में जो है सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगा, मौका मिलेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने अन्य विषयों के साथ इस टॉपिक का भी जो है अध्ययन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके स्तर में दिन प्रतिदिन जो है सुधार होता जाएगा, और पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।